सरकार ने पिछले साल श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में एक मुठभेड़ में मारे गए चार व्यक्तियों में से एक अमीर लतीफ मार्गे के शव को निकालने के संबंध में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। दरअसल मृतक अमीर लतीफ मार्गे के पिता मोहम्मद लतीफ मार्गे की एक याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने पिछले 27 मई को सरकार से कहा था कि वे शव को रामबन के पृथ्वी गांव ले जाने के लिए सही इंतजाम करें, जल्दी ये काम किया जाए, किसी तरह की देरी ना हो। बता दें कि मृतक अमीर के पिता मोहम्मद लतीफ मार्गे की याचिका पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी अपने के शव का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार या उसे सुपुर्द एक खाक करने का हक संविधान में दिए गए जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। आपने श्रीनगर में दबाव बनाने वालों को उनके अपनों के दो शव कब्र से निकाल कर दे दिए, लेकिन दूर दराज गाँव में रहने वाले पिता को बेटे की आखिरी रस्मों से वंचित रखा है। ये संविधान में शामिल समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के विपरीत है। साथ ही अदालत ने कहा था कि अगर शरीर ज्यादा सड़ा हुआ है और सुपुर्दी के हालत में नहीं है, जिससे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए खतरा पैदा करने की संभावना हो, तो आमिर के पिता और उनके करीबी रिश्तेदारों का वाडर पायन कब्रिस्तान में उनकी परंपरा और धार्मिक विश्वास के अनुसार अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी जाए। बता दें कि हैदरपोरा मुठभेड़ के दौरान मारे गए दो और लोगों अल्ताफ अहमद भट्ट और डॉक्टर मुदस्सिर गुल के शवों को मुठभेड़ के कुछ दिन बाद कब्रिस्तान से निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन आमिर मार्गे को नहीं सौंपा गया था। इसी मामले में सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जीएनएस को बताया है कि सरकार ने फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर करने का फैसला किया है। दरअसल मुठभेड़ में मारे गए अमीर लतीफ मार्गे को सेना ने आतंकी घोषित किया था। इसी मामले को लेकर वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि हैदरपुरा मुठभेड़ के दौरान मारे गए आमिर मार्गे के शव को परिजनों को नहीं सौंपना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरन्नुम राजपूत की रिपोर्ट।